सैरम बच्चों, आप सभी का कक्षा 4 के इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओंकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। सैरम बच्चों, बच्चों जैसा कि आपको पता है हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ 7 दान का हिसाब। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था बच्चों? पिछले वीडियो में हमने वाक्यों को अपनी भाषा में लिखना और किसने कहा, किससे कहा पर चर्चा किया था। इस वीडियो में हम खाली स्थान भरिए और लघु उत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों मैंने अपना स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दिया है। अब जल्द ही आपके सामने यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन आ गया। अब बच्चों हम बात करेंगे, एक मिनट में इसका फुल स्क्रीन कर देती हूँ। नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आपको सही जगह पर भरना है, खाली स्थान पर भरना है। ठीक है, अब पहले मैं शब्दों को पढ़ देती हूँ। चेहरा, जरूरतमंदों, लकदक, प्रकोप और राजकोष। क्या है? चेहरा, जरूरतमंदों, लकदक, प्रकोप और राजकोष। ठीक है बच्चों, ये सारे शब्द हैं, इन शब्दों को आपको खाली स्थान में भरना है। तब हम पहले वाक्य पर आते हैं। राजा जी, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों को, खाली स्थान भरना है। कपड़े पहनकर हजारों रुपए खर्च करते रहते थे। अब बताइए यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? ये 1, 2, 3, 4, 5 शब्दों में से कौन सा शब्द आएगा? सोचिए। राजा जी, रिक्त स्थान भरना है, कपड़े पहनकर हजारों रुपए खर्च करते रहते थे। तो आपने सही अनुमान लगाया, लकदक। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर हजारों रुपए खर्च करते रहते थे। अब दूसरे पर आते हैं बच्चों। इधर अकाल का रिक्त स्थान भरना है, फैलता ही जा रहा था। तो क्या फैलता जा रहा था इधर अकाल का? सोचिए क्या होगा, कौन सा शब्द आएगा? अब बचे कितने शब्द हैं बच्चों? 4। अब 4 शब्दों में से कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर? क्या आएगा? प्रकोप। बिल्कुल आपने सही अनुमान लगाया, इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। बच्चों मैं पहला और दूसरा वाक्य को एक बार पढ़ देती हूँ। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर हजारों रुपए खर्च करते रहते थे। और दूसरे का सही उत्तर है, इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। अब हम आएंगे बच्चों तीसरे वाक्य पर। एक मिनट मुझे इसको। भगवान की कृपा से लाखों रुपए
रिक्त स्थान भरना है, में मौजूद है। अब खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा बच्चों? भगवान की कृपा से लाखों रुपए, क्या आएगा? लाखों रुपए कहाँ मौजूद हैं? आपने सही अनुमान लगाया, राजकोष मतलब राजा का खजाना। भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। चौथे वाक्य पर आते हैं। रिक्त स्थान भरना है, खाली स्थान भरना आपको की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। किसकी सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है बताइए, कौन सा शब्द आएगा? अब पांच में से तीन शब्द तो खो गए, अब बचे कितने शब्द बच्चे? दो। अब दो में से कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर? आपने सही अनुमान लगाया, जरूरतमंदों। क्या आएगा? जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। क्या है? जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। पांचवे पर, हिसाब देखकर मंत्री का खाली स्थान भरना है, फीका पड़ गया। क्या है? हिसाब देखकर मंत्री का खाली स्थान है, फीका पड़ गया। क्या फीका पड़ गया? आखिरी शब्द कौन सा बचा है? चेहरा। बिल्कुल सही। तो हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। ठीक है, अब मैं तीसरे से लेकर के पांचवे जो वाक्य हैं उनके सही उत्तरों को एक बार पुनः पढ़ देती हूँ। भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। ये तीसरे का है उत्तर। चौथे का क्या है? जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। अब पांचवा क्या है? हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। आशा है बच्चों आपको खाली स्थान भरिए बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। पहला प्रश्न, किस समय राजा की मुट्ठी बंद हो जाती थी? अब सोचिए बच्चों, किस समय राजा की मुट्ठी बंद हो जाती थी? राजा अपने ऊपर तो बहुत पैसा खर्च करता था, पर उसकी मुट्ठी किस समय बंद हो जाती थी? आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, दान के समय। दान के समय राजा की मुट्ठी बंद हो जाती थी। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। राज्यसभा में कौन आते थे बताइए? राज्यसभा में कौन आते थे? इसका उत्तर है, राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते थे। आप यहाँ पर इसमें एक से एक भी लिख सकते हैं या राज्यसभा में नामी लोग आते थे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में नामी लोग मतलब प्रसिद्ध लोग आते थे। ठीक है, अब हम तीसरे पर पहुंचते हैं। राज्यसभा में किस तरह के लोग नहीं आते थे? कौन से लोग नहीं आते थे बच्चों? सोचिए, आपने सही अनुमान लगाया, गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी लोग नहीं आते थे। क्योंकि वहां पर इन क्यों नहीं आते थे बच्चों? क्योंकि वहां इनका सत्कार नहीं होता था। राज्यसभा में गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन लोग नहीं आते थे। एक बार मैं प्रश्न नंबर एक से लेकर के प्रश्न नंबर तीन तक को पुनः दोहरा देती हूँ। प्रश्न नंबर एक, किस समय राजा की मुट्ठी बंद हो जाती थी?
उत्तर, दान के समय राजा की मुट्ठी बंद हो जाती थी। प्रश्न नंबर 2, राज्यसभा में कौन आते थे? तो उत्तर क्या है, राज्यसभा में नामी लोग आते थे। प्रश्न नंबर 3, राज्यसभा में किस तरह के लोग नहीं आते थे? उत्तर, राज्यसभा में गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन लोग नहीं आते थे। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अब हम चौथे पर आते हैं। एक बार देश में क्या पड़ा? क्या पड़ा बच्चों एक बार देश में? एक बार देश में अकाल पड़ा। अकाल मतलब सूखा पड़ा। एक बार देश में अकाल पड़ा। एक बार देश में क्या पड़ा? एक बार देश में अकाल पड़ा। प्रश्न नंबर 5, अकाल के समय लोगों ने किससे मदद मांगी? बताइए किससे मदद मांगी? अकाल के समय लोगों ने किससे मदद मांगी? आपने सही अनुमान लगाया, उन्होंने राजा से मदद मांगी। अकाल के समय लोगों ने राजा से मदद मांगी। किससे मदद मांगी? राजा से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अकाल पीड़ित लोगों ने राजा से कितने रुपए मांगे? तो बताइए, सोचिए कितने रुपए मांगे थे अकाल पीड़ित लोगों ने। आपने अगर पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि उन लोगों ने 10,000 रुपए मांगे थे। अकाल पीड़ित लोगों ने राजा से 10,000 रुपए मांगे। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 4 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक मैं पुनः दोहरा देती हूँ। एक बार देश में क्या पड़ा? एक बार, उत्तर है इसका बच्चों, एक बार देश में अकाल पड़ा। प्रश्न नंबर 5, अकाल के समय लोगों ने किससे मदद मांगी? उत्तर, अकाल के समय लोगों ने राजा से मदद मांगी। प्रश्न नंबर 6, अकाल पीड़ित लोगों ने राजा से कितने रुपए मांगे? तो अकाल पीड़ित लोगों ने, उत्तर है, अकाल पीड़ित लोगों ने राजा से 10,000 रुपए मांगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 7 पर। सन्यासी ने राजा राजा को किसकी उपाधि दी? सोचिए किसकी उपाधि दी? उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा था? सोचिए क्या कहा था? दाता कर्ण। क्या कहा था? दाता कर्ण। सन्यासी ने राजा को दाता कर्ण की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? दाता कर्ण की। कर्ण बहुत दानी था, इसीलिए उन्होंने, सन्यासी ने राजा को दाता कर्ण की उपाधि दी। प्रश्न नंबर 8, सन्यासी ने राजा से क्या मांगा? क्या मांगा राजा से उन्होंने? कि क्या मांगा? कि राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूं। सन्यासी ने राजा से राजकोष से 20 दिन तक प्रतिदिन मामूली भिक्षा मांगी। ठीक है, क्या मांगी? सन्यासी ने राजा से राजकोष से 20 दिन तक प्रतिदिन मामूली भिक्षा मांगी। अब मैं प्रश्न नंबर 7 और 8 को पुनः दोहरा देती हूं। सन्यासी ने राजा को किसकी उपाधि दी? सन्यासी ने राजा को दाता कर्ण की उपाधि दी। प्रश्न नंबर 8, सन्यासी ने राजा से क्या मांगा? सन्यासी ने राजा से
राजकोष से 20 दिन तक प्रतिदिन मामूली भिक्षा मांगी। अब हम बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9 पर। सन्यासी ने भिक्षा लेने का क्या नियम बताया? क्या नियम बताया कि सन्यासी ने कहा कि मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। इसका उत्तर क्या कैसे लिखेंगे बच्चों? सन्यासी ने भिक्षा लेने का यह नियम बताया कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, इसी तरह फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। ठीक है, क्या कहा? सन्यासी ने भिक्षा लेने का यह नियम बताया कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर आप ये भी और लिख सकते हैं इस तरह से, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। प्रश्न नंबर 10। पूरे देश में क्या खबर फैल गई? अब बताइए पूरे देश में क्या खबर फैल गई? क्या खबर फैली पूरे देश में? पूरे देश में यह खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। क्या खबर फैल गई? पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। मैं प्रश्न नंबर 9 और 10 एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। बच्चों आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। सन्यासी ने भिक्षा लेने का क्या नियम बताया? सन्यासी ने भिक्षा लेने का यह नियम बताया कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। प्रश्न नंबर 10। पूरे देश में क्या खबर फैल गई? पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। आशा है बच्चों आपको लघु उत्तरीय प्रश्न समझ आ गए होंगे। शेष अगले वीडियो में। साई राम।